और इतना मजबूत है रावण, इतना मजबूत है कि धन भी उसके पास है, बल भी उसके पास है, बुद्धि भी उसके पास है, क्योंकि वेदों पर भाष्य किया उसने। तो बलवान भी है, बुद्धिमान भी है और धनवान भी है। अब आप कहोगे महाराज कुलवान तो उत्तम कुल पुलस्त कर नाती। उत्तम कुल इसका मतलब है रामायण में ही लिखा है उत्तम कुल पुलस्त कर नाती, उत्तम कुल में पैदा हुआ है। तो कुलवान भी है, बलवान भी है, धनवान भी है, बुद्धिमान भी है। ये राम का विपक्षी है। विपक्ष मजबूत होना चाहिए वैसे, क्यों नियमानुसार विपक्ष कमजोर नहीं होना चाहिए, विपक्ष मजबूत होना चाहिए। राम जी को जो विपक्ष मिला है वो बहुत मजबूत मिला है। रावण के पास सब कुछ है, सब कुछ होने के बाद भी उसने अपनी यात्रा प्रारंभ की। राम की यात्रा, राम की यात्रा में और रावण की यात्रा में क्या अंतर है? विचारवान श्रोताओं, श्री राम की यात्रा अयोध्या से प्रारंभ होती है और मिथिला होते हुए पुनः मिथिला से अयोध्या वापस भगवान की यात्रा होती है और अयोध्या से फिर प्रारंभ होती है तो रामेश्वरम तक, और रामेश्वरम से होते हुए समुद्र उस पार जाती है तो वही भगवान की यात्रा लंका में पहुंच जाती है। तो इसका मतलब है कि अयोध्या से राम जी चले तो लंका पहुंचे और लंका से वापस फिर अयोध्या आए। भैया इस यात्रा का नाम क्या है सोचो। भगवान श्री राम ने जो अपनी यात्रा की है इस यात्रा का नाम क्या है? प्रभु श्री राम ने अयोध्या से जो लंका तक की यात्रा की उस यात्रा में प्रभु विश्व वंदनीय हो गए। बोलो उस यात्रा के माध्यम से क्या हुए? विश्व वंदनीय। पूरे विश्व में अखिल विश्व रघुवंश मणि भगवान को घोषित कर दिया गया। इससे सिद्ध होता है कि असली विकास राम का यही है। धन कमा लेना विकास नहीं है, बहुत सुंदर शरीर बना लेना विकास नहीं है, बहुत सुंदर महल अट्टालिकाओं को बना लेना विकास नहीं है। सच्चा विकास तो राजमहलों को छोड़ करके सबरी निषाद गीध कोल भील बानर भालू आदि आदि इन सबको अपने हृदय से लगाना, इन सबके जीवन से जुड़ जाना और इनका परम कल्याण करना और साथ ही साथ गीध का उद्धार करना। सबरी के यहां जाकर भगवान ने सबरी को नौदा भक्ति का जो उपदेश दिया, निषाद राज को हृदय से लगाया, बानर भालुओं को हृदय से स्वीकार किया, ये सब करते हुए भगवान ने सनातन धर्म को अक्षुण करने के लिए एक संकल्प लिया है। निश्चर हीन करो मई भुज उठाए प्रणकीन, सकल मुनन के आश्रमन जाए जाए सुख दीन। तो सीधी सी बात यह है कि सच्ची यात्रा तो जीवन की यही है, इसी को हम विकास कहेंगे, इसी को हम विकास यात्रा के रूप में स्वीकार करेंगे कि भगवान राम ने बड़े बड़े दैत्यों का वध किया, बड़े बड़े आतताई अधर्मियों का वध किया, यहाँ तक कि रावण आदि का वध करके सनातन की कीर्ति पताका को फहराकर सनातन धर्म को सदा सदा के लिए अमृत प्रदान किया है। ये श्री राम की सबसे महत्वपूर्ण यात्रा है और इसी को विकास यात्रा कहते हैं। तो धर्म हमारा अस्तित्व में रहे इसी को विकास कहते हैं। भवन ढह जाएगा चाहे जितना मजबूत बनाओ, लेकिन उसकी एक सीमा है, उसको तो ढहना ही ढहना है। क्यों भाई? धन कितना भी कमा लो एक सीमा है, उसको नष्ट होना ही होना है। जो बड़े बड़े राजा थे ईमानदारी से बताओ उनके राज्य चले गए कि नहीं चले गए? सोचो जरा, बड़े बड़े ऊंचे पद पर बैठने वालों के पद चले गए कि नहीं चले गए? दुनिया से भी वो चले गए।
है, बड़ी बड़ी सत्ताएं थी जो प्रभाव में थी वो अस्तित्वहीन हो गई कि नहीं हो गई, ये तो होता ही रहता है। लेकिन सच्चा विकास इसे नहीं कहा जाएगा। किला बना लेना सच्चा विकास नहीं है, किसी ऊंचे पद, राजनीतिक ऊंचे पद को प्राप्त कर लेना ये सच्चा विकास नहीं है। अपने जीवन में हम अरबों खरबों रुपया कमा लें ये सच्चा विकास नहीं है। लेकिन सत्य तो ये है, जिस देश में और जिस धर्म में हम पैदा हुए हैं उस देश धर्म को सदा सदा के लिए अपने वाणी, अपने कर्तित्व व्यक्तित्व के माध्यम से सदा सदा के लिए प्रभाव में स्थापित कर देना, ये जीवन का सबसे बड़ा प्रभाव है। सदा सदा के लिए भगवान राम ने सनातन धर्म को अस्तित्व में ला दिया। अब सनातन धर्म की इतनी जड़ें मजबूत हो गई हैं कि कोई माई का लाल उखाड़ने वाला नहीं है, क्योंकि रावण नहीं उखाड़ पाया, उसने एड़ी चोटी का पसीना एक कर दिया। रावण जब नहीं उखाड़ पाया सनातन धर्म के अस्तित्व को, तो इससे सिद्ध होता है कि हमारा सनातन धर्म इतना मजबूत है, इतनी गहरी जड़ें हैं कि राम और कृष्ण ने, संत तुलसी और कबीर ने और बड़े बड़े संतों ने, बड़े बड़े आचार्यों ने, बड़े बड़े सिद्ध तपोनिष्ठ संतों ने अपनी परंपराओं पर चलकर सनातन धर्म को इतना मजबूत कर दिया है, इतनी गहरी जड़ें कर दी हैं कि चाहे जैसे आंधी तूफान संप्रदायों के चलते रहे, लेकिन हमारा सनातन धर्म कभी उखड़ने वाला नहीं है, सदा अस्तित्व में रहेगा, सदा प्रभाव में रहेगा। ये कार्य किया भगवान राम ने। किसने किया? भगवान राम ने। क्योंकि त्रेता में भगवान राम ने सनातन को अक्षुण्ण किया, सतयुग में भक्तों ने, भक्त प्रहलाद जैसे भक्तों ने, ध्रुव जी जैसे भक्तों ने, इन्होंने अपने भजन के प्रभाव से, अपने त्याग के प्रभाव से सनातन धर्म को अजर अमर किया, अस्तित्ववान बनाया, ठीक क्रम बदला। तो यही कार्य, भक्तों का कार्य भगवान ने अपने हाथ में ले लिया और जाकर के रामा अवतार में फिर भगवान ने जाकर के अयोध्या आदि में जन्म लेकर के अयोध्या का त्याग करते हुए वनवासी गिरवासियों के बीच में रहकर सनातन धर्म को अस्तित्व में किया। आप जानते हो कृष्णा अवतार में भी भगवान ने यही किया, भगवान कृष्ण ने यही किया। कंस आदि ये सब अस्तित्व मिटाना चाहते थे सनातन का, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने कंस के अस्तित्व को समाप्त करके, उसके समग्र अत्याचारी अन्यायियों को समाप्त करके सनातन धर्म को अक्षुण्ण बना दिया, सनातन धर्म को अमृत प्रदान किया। ऐसा ये सनातन धर्म है। इस सनातन संस्कृति की परंपरा से ओतप प्रोत आप सब हैं, बैठकर भगवान की कथा सुन रहे हैं। तो जीवन का सच्चा विकास क्या है, अब सुनिए। विकास यात्रा भगवान राम के द्वारा हुई। भैया रावण के द्वारा क्या हुआ? रावण के द्वारा विनाश यात्रा हुआ, क्योंकि सीता का हरण किया ना उसने। जब से सीता का हरण किया उसी समय से उसकी विनाश यात्रा शुरू हो गई। बोलो हुई कि नहीं हुई? और भगवान राम ने भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति का सम्मान सुरक्षित रहे, इसका संकल्प लेकर के अपनी यात्रा स्वीकार प्रारंभ की। तो सनातन संस्कृति का अस्तित्व सुरक्षित रहे, सम्मान सुरक्षित रहे, इसके लिए राम जी ने अयोध्या से यात्रा लंका तक की। यह है विकास यात्रा। और प्यारे रावण ने सीता का हरण किया, नारी के अस्तित्व को मिटाने के लिए यात्रा प्रारंभ की, और ये यात्रा पंचवटी नासिक से लेकर के लंका तक हुई। तो इसको कहते हैं विनाश यात्रा। तो रावण के द्वारा कौन सी यात्रा हुई? विनाश यात्रा। संस्कृति को मिटाने के लिए, संस्कृति के अस्तित्व को नष्ट करने के लिए रावण ने यात्रा प्रारंभ की, इसलिए हरण किया, इसको विनाश यात्रा कहते हैं। और संस्कृति के अस्तित्व को बचाने के लिए राम जी ने अयोध्या से यात्रा प्रारंभ की लंका तक, इसको विकास यात्रा कहते। सच्चा विकास यही है कि हम संस्कृति की रक्षा करें, हम मर्यादा को कैसे सुरक्षित कर सकें, इसके लिए सतत प्रयत्नशील हमें होना चाहिए। ये श्री राम ने किया। अच्छा भाई,
भरत जी के द्वारा भी अयोध्या से चित्रकूट तक की यात्रा हुई। इस यात्रा का क्या नाम है? देखो, दो संत हैं, जैसे राम जी भगवान हैं और रावण अपने को स्वयंभू भगवान मानता है, भगवान तो वो भी मानता अपने को, रावण भी अपने को भगवान मानता है, लेकिन वो स्वयंभू भगवान मानता है। वो कहता है मैं भगवान हूँ, सारी दुनिया मुझे भगवान माने। वस्तुतः वो भगवान है नहीं, लेकिन स्वयंभू भगवान है, वो अपने को भगवान मानने की बात करता है। लेकिन भगवान श्री राम अपने को भगवान नहीं मानते हैं, लेकिन संत और शास्त्र और भक्त जितने भी हैं वो एक स्वर में कहते हैं, जग कारण तारण भव भंजन धरनी भार, कह तुम अखिल भुवन पति लीन मनुज अवतार। सारी दुनिया कह रही है, संत कह रहे, शास्त्र कह रहे, आप भगवान हैं, भगवान हैं, भगवान हैं, और राम जी अपने को भगवान मानने को तैयार नहीं है, और रावण से कोई भगवान नहीं कहने को तैयार है, और रावण कहता है मैं भगवान हूँ, मैं भगवान हूँ, मैं भगवान हूँ, मुझे भगवान मानो। वो अपने को भगवान मानता है, कोई उसे भगवान नहीं मानता है, वो स्वयं अपने को भगवान मानता है, ये स्वयंभू भगवान है। और प्यारे राम जी अपने को भगवान मानने को तैयार नहीं है, वो कहते हैं नहीं 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 मैं भगवान नहीं हूँ, आप कौन हैं? कहे कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु वचन मान बन आए। हम तो राजा दशरथ के बेटा हैं। अब देखो भैया, बार बार इस बात को कह रहे हैं, हम तो दशरथ पुत्र हैं, अयोध्या के सम्राट महाराज श्री दशरथ के बेटे हैं, हम ब्रह्म नहीं है, हम भगवान नहीं है, हम तो अयोध्यापति महाराज दशरथ के पुत्र हैं। देखो, इसको कहते हैं सरलता और सहजता, अपने को छिपाना, अपने को सदा छिपाना, इस यही है भगवत्ता, यही भगवतीय गुण है। भगवान ने कहा कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु वचन मान बन आए, यहाँ हरि निश्चर वैदेही हम खोजत ते। अब बोलो, भगवान अपने को छिपा रहे हैं कि छपा रहे हैं? भगवान अपने को छिपा रहे हैं कि मैं भगवान नहीं हूं, यही प्रमाण है, ये सच्ची भगवदीय गुण की मनास्थिति है, यह सच्चा भगवान का स्वरूप है, यही वास्तविकता है। प्यारे, भगवान ने अपने को छिपाया है। एक बड़ी प्यारी बात आपको बता दें, भगवान अयोध्या से चले तो सबरी जी के आश्रम में जब पहुंचे तो सबरी ने भगवान से एक बात कही। क्या? सबरी जी ने कहा कि मेरे गुरुदेव ने मुझे वचन दिया था कि सबरी तू चिंता मत करना, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, भगवान यहीं तुझे मिलेंगे। तो मैंने गुरु की वाणी पर विश्वास किया कि गुरुदेव ने कहा है तो निश्चित है भगवान मिलेंगे, और जब गुरु वाणी पर विश्वास किया तो एक दिन भगवान आप आ गए, पधार गए। गुरु जी तो चले गए, गुरु जी का शरीर नहीं है इस संसार में, लेकिन कृपा करके आप पधारे तो गुरु की कृपा से आप आए। तो मैंने गुरु की वाणी पर विश्वास किया तो आप मिल गए। प्रिय श्रद्धालु जनों, मैं चर्चा यही तो कर रहा था, राम की विकास यात्रा और रावण की विनाश यात्रा, और हनुमान जी की प्रकाश यात्रा। हनुमान जी ने भी यात्रा की है, इसको प्रकाश यात्रा कहते हैं। भरत जी ने भी अयोध्या से चित्रकूट तक की जो यात्रा की है उसको समर्पण यात्रा कहते हैं।
समर्पण किया उन्होंने, जो भी प्राप्त किया है भरत जी ने समर्पण से किया। जीवन में हम समर्पण कर दें भगवान के प्रति तो हमें सब कुछ मिल सकता है, कोई कमी नहीं रहेगी। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनः परिउपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। सब कुछ प्राप्त हो सकता है समर्पण कर दें। रावण के द्वारा विनाश यात्रा हुआ। विनाश यात्रा कैसे? भगवान जब सीता जी के सहित पंचवटी नासिक में विराजित हैं, सीता जी भी बैठी हुई हैं भगवान के साथ, राम बाम दुष जानकी लखन दाहिनी ओर, ध्यान सकल कल्याण में सुरधर तुलसी तोर, श्री किशोरी जी बाम भाग संभूता किशोरी जी विराजमान हैं पंचवटी नासिक में, लक्ष्मण जी महाराज भी थोड़ा दूरी पर बैठे हुए हैं। रावण की यहीं से विनाश यात्रा प्रारंभ होती है, क्योंकि सूर्पणखा ये रावण की बहन है। सूर्पणखा पंचवटी नासिक में आती है, अकेली है, स्वतंत्र है, और वो श्री राम जी के पास पहुंचती है तो भगवान श्री राम को देख के कहती है कि आप मुझे स्वीकार करो, लेकिन भगवान श्री राम ने उसकी ओर नहीं देखा। सीतहि चितय कही प्रभु बासा, भगवान ने सीता जी की ओर देखा। सीधी सी बात यह है कि कोई भी संसार का प्राणी अगर प्रभु राम को प्राप्त करना चाहता है तो सबसे पहले उसे भक्ति से संबंध जोड़ना पड़ेगा, भक्ति से नाता जोड़ना पड़ेगा, और सीता जी साक्षात भक्ति है। बोलो है कि नहीं? ज्ञानियों की दृष्टि में सीता जी मुक्ति हैं और भक्तों की दृष्टि में सीता जी भक्ति हैं और वेदांतियों की दृष्टि में सीता जी शांति हैं। ये तीन स्वरूप हैं सीता जी के। फिर सुन लो एक बार, ज्ञानियों की दृष्टि में सीता जी मुक्ति हैं, वेदांतियों की दृष्टि में सीता जी शांति हैं और भक्तों की दृष्टि में सीता जी भक्ति हैं। तो भगवान राम को देख करके सूर्पणखा कहती है कि आप मुझे स्वीकार करें। भगवान राम ने देखा नहीं, सीता ही चितय, सीता जी की ओर देखा। इसका सीधा सा अर्थ है कि सीता जी भक्ति हैं। क्या है सीता जी भक्ति हैं? और भगवान ये कहना चाहते हैं कि जब तक संसार का प्राणी भक्ति को प्राप्त नहीं कर लेगा तब तक उसे परमात्मा की प्राप्ति हो ही नहीं सकती है, और यदि परमात्मा दिखाई भी दे जाएगा तो परमात्मा उस जीव को स्वीकार नहीं करेगा। तो पहले तो आप भक्ति का साम्राज्य स्थापित करें। भगवान भले ही आपके पास, ऐसा कौन सा प्राणी संसार का है कि जो परमात्मा के